हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों वेलकम टू डाउटनेट लाइव तो बच्चों मेरा नाम है सीमा चौहान और आप मेरे साथ पढ़ते हैं रोज मैथ्स तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है जैसा कि आप देख ही रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज है और उसमें है हमारा आज लेक्चर नंबर वन और ये जो टॉपिक है बच्चों ये बेहद ख़ास है और ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम भी आती है बट आज हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को समझेंगे और देखेंगे भाई इतना भी मुश्किल नहीं है ठीक है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें रेशो है इसमें प्रपोशन है इसमें यूनिटरी मैथड है इसमें परसेंटेज निकालना है इसमें सिंपल इंटरेस्ट है आपका ठीक है और इसमें प्रॉफिट लॉस निकालना है इस पर एस पी और सी पी निकालना है और ये चीज़ें कुछ हो सकता है आपके लिए नई हो और कुछ हो सकता है नोन हो और ये का ये चैप्टर बच्चों आपका सेम एथ क्लास में भी है ठीक है तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझना है सारी चीज़ों को और फिर इतना ईजी बना देना है ताकि अगली क्लासेज में ये आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाए ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की और आज हम करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन और हम मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं तो उसमें हम रेशो पढ़ेंगे प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले टाइम टेबल के साथ आई एम श्योर कि आप बच्चों को टाइम टेबल पता ही है ठीक है ये मॉर्निंग की क्लासेस होती हैं ये हमारी रिवीजन क्लासेस हैं ये नौ बजे से लगनी शुरू हो जाती है नौ बजे सोशल साइंस की क्लास होती है दस बजे मैथ्स की और ग्यारह बजे होती है साइंस की क्लास ठीक है उसके बाद है बच्चों आपकी जो न्यू क्लासेस स्टार्ट होती है न्यू बैच की वो है इवनिंग में जिसमें चार बजे इंग्लिश ग्रामर की क्लास पाँच बजे सोशल साइंस की क्लास छः बजे इंग्लिश की क्लास सात बजे मैथ्स की और आठ बजे होती है साइंस की क्लास तो ये दोनों ही टाइम टेबल नोट कर लो और अपने अकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेज अटेंड किया करो ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्विज के साथ है ना एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं और देखते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में आप बच्चों को कितना पता है ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि आ, रेशो इक्विवेलेंट टू थ्री रेशो सेवन जैसे आपने सिक्स में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था ना और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले थे उसी तरह आपको यहाँ पर रेशो बताना है थ्री रेशो सेवन के जो इक्विवेलेंट है चलिए डन बच्चो चलो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर द रेशो थर्टी फाइव रेशो एटी फोर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है कि थर्टी फाइव रेशो एट्टी फोर को जब हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ये जैसे आपने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन किए थे ना फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था सेम ऐसे ही रेशियो को भी करना है चलिए डन बच्चों अब देखो इनके आंसर्स देख लेते हैं जैसे आपने अपनी सिक्स क्लास में किए थे ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम ऐसे ही है मतलब हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख लें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ठीक है या फिर जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन गिवन है उनको रिड्यूस कर दो उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों तरीके से कर सकते हैं तो मान लो हम इसको रिड्यूस करते हैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तो देखो ये थ्री बाई नाइन है तो ये थ्री वन जा थ्री हो जाएगा थ्री थ्री जो नाइन हो जाएगा मतलब ये बना वन रेशियो थ्री

ठीक है ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे हम मान लो इसको मल्टीप्लाई करें थ्री से और इसको मल्टीप्लाई करें थ्री से तो ये नाइन अपॉन क्या बन गया ट्वेंटी वन बन गया जो कि हमारा सी ऑप्शन के बराबर है तो दोनों तरह से कर सकते हैं या तो हम सेम नंबर से इन्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दें अगर बड़े नंबर हैं तो और अगर छोटे नंबर है तो हम सेम नंबर से इन्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा क्या निकल आता है इक्विवेलेंट रेशियो निकल आता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आपको इसको सिंपलेस्ट कन्वर्ट करना है तो सेम रेशियो वाली चीज है ना 35 84 लिखो और इनको फाइव बाई नंबर से कैंसिल करो जो कि दोनों की टेबल में आता हो या दोनों जिसके टेबल में आते हो या फिर दोनों का ही जो कॉमन फैक्टर हो तो मतलब ये भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों का एच निकालो और जो एच होगा उससे डिवाइड कर दो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वैसे हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सेवन से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको सेवन से डिवाइड कर दें और इसको भी सेवन से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा सेवन फाइव सा और यहाँ पर ये यह बन जाएगा ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ से हमारा फाइव बाई ट्वेल्व क्या आ गया आंसर आ गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए बच्चों जो भी गिवन है उसका आप क्या निकालेंगे हाइस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एच और उससे डिवाइड कर दो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो ये तो हुए बच्चों देखो आपका ये जानने के लिए कि सिक्स में जो आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा था उसका आपको कितना याद है क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं रेशो रेशो भी हालांकि आपने सिक्स क्लास में किया था बट यहां पर कंपेयरिंग क्वांटिटीज की शुरुआत रेशो से ही है ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन का देख लेते हैं भाई कुछ बच्चों को अभी भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है बच्चों तो इसके लिए क्या करना है आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में ही बच्चों थोड़े से चेंजेस करने हैं और इस चेंजेस के लिए आपको क्या करना है अपनी सेटिंग में जाना है फ़ोन की सेटिंग में फिर वहाँ पर जहाँ पर आपके ऐप्स लिखे हुए हैं वो ऐप्स पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको मैनेज ऐप आप पर जाना है मैनेज ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास डाउट नट ऐप आ जाएगा उस डाउटनट पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह का फेस ओपन हो जाएगा इसमें आपको बैटरी सेवर पर जाना है ठीक है बैटरी सेवर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या लिखा होगा नो no रिस्ट्रिक्शन और इस नो no रिस्ट्रिक्शन को आप ऑन कर देना जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपको जाना है बैक और बैक जाकर फिर से जाना है आपको नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर डाउट ना टैप है और इसको ऑन कर देंगे ऑन का मतलब है कि जो इसको राइट साइड में कर दो ठीक है राइट साइड में करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा और इन सब को आपको ऑन कर देना है ऑन का मतलब कि ये सारी जो डॉट डॉट हैं ये सब राइट साइड में हो जानी चाहिए तो बस हो गई आपकी फ़ोन की सेटिंग और इससे आपको क्या मिलने लगेंगे नोटिफिकेशन कि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होने का टाइम हुआ उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बच्चों आ जाओ क्लास में और फटाफट से आप क्लास में पहुँच जाना है ना ये स्कूल की बेल की तरह हो गया कि स्कूल की बेल बजी और आप क्लास में पहुँच गए ठीक है चलो तो फटाफट से अब जो बच्चे रह गए हैं नोटिफिकेशन के सेट करने के लिए वो फटाफट से अपना नोटिफिकेशन सेट कर लो ठीक है चलो भाई उसके बाद चलो अब चैप्टर देखते हैं अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी में ये हमारा चैप्टर नंबर एट है ठीक है हम इंपोर्टेंट इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज देखो आप डेली लाइफ में कंपैरिजन के बारे में बहुत कुछ सुनते हो है ना सुबह उठते ही हो सकता है कंपैरिजन हो कि तुम देखो लेट उठे हो और तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया है ना तो यहीं से कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है या फिर मार्क्स की हम बात करें कि देखो उसके ज़्यादा नंबर आए हैं और आपके कम नंबर आए हैं या उसकी हाइट अच्छी है इसकी हाइट कम है है ना या फिर ये वाला काम अच्छा है और वो वाला काम अच्छा है तो मतलब डेली लाइफ में हम कंपैरिजन के बारे में ढेर सारा सुनते हैं और डेली सुनते हैं ठीक है अब मैथ्स में भी ऐसे ही हमें क्या करना है चीजों को कंपेयर करना है ठीक है कंपेयर uh, करने के लिए और भी सा, बहुत सारे ऑप्शन है जैसे आप लोग बच्चे रेस लगाते हो रेस लगाते हुए भी कहते हो ना कि एक तेज दौड़ रहा है एक कम देर रहा है या फिर कुछ बच्चे ऐसे कह देते हैं कि देखो वो उससे डबल फास्ट दौड़ रहा है डबल फास्ट uh, तेजी से भाग रहा है या फिर कह देंगे कि इसने जो काम किया है वो दूसरे के काम का तो वन फोर्थ ही है या फिर इसने तो हाफ़ ही करा है तो कितने तरह से हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं एक तरफ तो हम वन फोर्थ बोल रहे हैं दूसरी तरफ हम डबल बोल रहे हैं या फिर हम ये कह रहे हैं कि उसने चार गुना कर दिया है या कि तीन गुना कर दिया है या दोनों के काम का रेशो वन बाई टू है तो देर आर मैनी वेज़ ऑफ कंपेयरिंग थिंग्स हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे अपना रेशो पढ़ेंगे प्रपोशन पढ़ेंगे यूनिटरी मैथड और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे लेकिन आज की क्लास में यही पढ़ेंगे तो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले देखो जो दो यूनिट है ना उनका सेम होना ज़रूरी है अब ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ तो किलोमीटर ले रहे हैं और दूसरी तरफ मीटर को कंपेयर कर रहे हैं ठीक है तो किलोमीटर और मीटर कंपेयर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की क्या है यूनिट डिफरेंट है तो अगर आपको कंपेयर करना ही है तो किलोमीटर को भी मीटर में बनाना पड़ेगा और फिर इनका क्या होगा कंपैरिजन होगा इसी तरह आप आर्स का मतलब जो घंटे होता है उसका दिन के साथ कंपैरिजन कर सकते हो लेकिन पहले एक दिन में कितने घंटे होते हैं वो बताने होंगे मतलब कि यूनिट उसकी सेम करनी पड़ेगी बिना यूनिट सेम किए हम चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपको ना कन्वर्जन भी ध्यान रखना होगा कि वन किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या एक दिन में कितने घंटे होते हैं या वन आर में कितने मिनट होते हैं या वन मिनट में कितने सेकेंड होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अब छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कंपैरिजन का जैसे कि यहाँ पर हमें निकालना है क्या निकालना है सैम और जॉन जो है इनकी हाइट गिवन है हाइट सैम की जो है 100 सेंटीमीटर है और जॉन की गिवन है 200 सेंटीमीटर तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो मान लो हमने लिखी यहाँ पर सैम की हाइट ये हो गई सैम की हाइट ठीक है और इसको कंपेयर करने के लिए नीचे मैं लिख देती हूँ जॉन की हाइट किसकी लिख देती हूँ जॉन की हाइट तो सैम की हाइट है यहाँ से 100 और जॉन की हाइट है 200 कैंसिल कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 1 बाई टू तो ये तो हमने क्या निकाला फ्रैक्शन निकाल दिया वन बाई टू इसी को अगर मैं रेशो में लिखूं तो ये जो वन बाई टू है ना बच्चों ये कैसे लिखा जाएगा वन रेशो मतलब दो डॉट लग जाएंगी और यहाँ पर लिख जाएगा टू तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो सैम की हाइट है वो जॉन की हाइट की हाफ है या फिर जो जॉन की हाइट है वो सैम की हाइट की क्या है डबल है बाद वाला डबल है ना और बाद वाला जॉन है तो अगर हम रेशो में लिखें तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जॉन की हाइट है वो सैम की हाइट की डबल है वन रेशो टू ठीक है वन रेशो टू ये जो दो डॉट है ना इसका मतलब क्या होता है कि रेशो और हमने दोनों को क्या कर दिया कंपेयर कर दिया रेशो के साथ सबसे पहली बात तो कभी भी यूनिट नहीं लगती आप यहां पर यूनिट नहीं लगाओगे सिंपल क्या लिखोगे वन रेशो टू कि एक वन है तो दूसरा उसका डबल है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है जैसे यहां पे तो हंड्रेड टू हंड्रेड ले लिया मान लो अगर सैम की हाइट टू हंड्रेड सेंटीमीटर हो जाए तो जॉन की क्योंकि उससे डबल है तो उसकी 400 हो जाएगी ठीक है तो रेशो क्या है जब हम चीजों को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज को लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों की दोनों क्वांटिटीज की यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक है सेम होनी चाहिए साथ ही साथ ये जो ऐसे दो डॉट बनी हुई है ना ये साइन है रेशो का ये क्या है साइन है रेशो का और हम इसको कैसे रीड करते हैं टू वन टू टू ठीक है यानी कि जैसे वन रेशियो टू लिखा हुआ था ना तो वन टू टू भी बोल सकते हैं और इनको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें जैसे कि वन रेशो टू है इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे वन बाई टू लिखते हैं जब हम रेशो को कन्वर्ट करेंगे इक्वी वैलेंट रेशो में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करेंगे और फिर बाद में इसको फिर से रेशो में बना देंगे ठीक है तो पता चला रेशो क्या है चीज़ों को कंपेयर करने की कि जो एक है वो दूसरे का कितने टाइम्स है या दूसरा पहले का कितने टाइम्स है ठीक है अब जैसे जोन की हाइट थी जो पहले वाले से टू टाइम्स थी मतलब डबल थी ठीक है तो एक दूसरे का कितने टाइम्स है ये हमें क्या बताता है रेशो बताता है तो यहां से एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं देखो रेशो निकालना है हमें थ्री किलोमीटर और थर्टी मीटर का तो थ्री किलोमीटर और थर्टी मीटर जैसा कि हमें यहाँ से पता है कि दोनों के यूनिट बच्चों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहला काम क्या होगा यूनिट का कन्वर्जन ठीक है अब यहाँ से ये तो पक्का पता होना चाहिए कि वन किलोमीटर में होते हैं बच्चों हमारे वन थाउजेंट मीटर कितने होते हैं वन थाउजेंट मीटर तो आप क्या करोगे थ्री किलोमीटर ठीक है और यहाँ पर लगा लोगे ऐसे रेशो और यहाँ पर लिख दोगे थर्टी मीटर ठीक है उसके बाद क्योंकि रेशो के साथ हमें यूनिट तो लगानी नहीं होती तो हम क्या करेंगे बेटर है कि इन यूनिट को ऐसे हटाएं ठीक है और इनकी जो यूनिट है उनको पहले सेम करें ठीक है सेम कर लेते हैं चलो सेम के लिए मुझे बताओ ज़रा क्या किस में क्या किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिए ठीक है मी थर्टी मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड से या थ्री किलोमीटर को बताओ किसको करेंगे थ्री किलोमीटर को क्योंकि किलोमीटर यहाँ पर बड़ी यूनिट है तो थ्री को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से थाउजेंड से ये हमारे पास बन जाएगा थ्री थाउजेंड मीटर अब हमें जो रेशो लेना है वो हमें किस किस का रेशो लेना है हमें यहाँ से लेना है रेशो ऑफ थ्री मीटर टू रेशो ऑफ थर्टी मीटर ठीक है इनका हमें रेशो निकालना है तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे थर्टी 30, मतलब थ्री थाउजेंड लिखेंगे फिर ये रेशो का ऐसे साइन बनाएंगे और फिर क्या लिखेंगे थर्टी लिख देंगे विदाउट एनी चाहो तो इनको ऐसे कैंसिल कर दो नहीं तो आप क्या कर सकते हो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर कैंसिल कर सकते हो तो हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे ऐसे ये थ्री वन ज थ्री और ये हो जाएगा हंड्रेड तो हमारा ये बन जाएगा हंड्रड रेशो वन ठीक है यानी कि जो थ्री किलोमीटर है वो थर्टी मीटर का हंड्रड टाइम्स है ठीक है क्या है थ्री किलोमीटर थर्टी मीटर का क्या है हंड्रड टाइम्स है अब बच्चों इसमें सबसे बड़ी बात एक और ध्यान रखने वाली ये है कि रेशो में जब आप कंपेरिजन करते हो तो ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है थ्री किलोमीटर टू थर्टी मीटर तो थ्री किलोमीटर पहले आएगा या ऊपर आएगा और थर्टी मीटर नीचे आएगा अगर आपने इसका उल्टा कर दिया तो ये बन जाएगा वन रेशो हंड्रेड मतलब कि किलोमीटर यूनिट छोटी हो गई और मीटर बड़ी हो गई बट ऐसा तो नहीं है ठीक है तो ऑर्डर का ध्यान रखेंगे इसमें और यूनिट नहीं लगानी है और अगर यूनिट डिफरेंट है तो पहले यूनिट को क्या करोगे सेम करोगे ठीक है तो ये तो बात हुई रेशो की। उसके बाद हमारे पास है इक्विवेलेंट रेश जैसे कि आपने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए आपने क्या किया था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे जैसे मान लो हमने ये एक लिखा वन बाई टू और आपकी बुक में ऐसे थे कि इससे आगे तीन और हमें क्या बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ तो हम क्या करते थे इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया ये बन गया हमारा टू बाय फोर ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया उसके बाद वन बाय टू को हमने ऊपर थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया ये बन गया थ्री बाय सिक्स मतलब दूसरा इक्विवेलेंट रेशियो आ गया हमारा फ्रैक्शन आ गया तो सेम वो ही रेशियो के केस में करना है टू फाइंड द इक्वीवेंट रेशो वी नीड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर यानी कि हमें क्या करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देना है ठीक है चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो हमारे पास है यहाँ पर फाइव बाई ट्वेंटी तो हम क्या करेंगे फाइव बाई ट्वेंटी को दोनों तरीके से करते हैं इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड करके भी ठीक है चलो आप बच्चे बताना चाहते हो मल्टीप्लाई करके हो, तो बता दो कि इसका नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट है वो क्या बनेगा रेशो बताओ जल्दी से बताओ जरा मल्टीप्लाई के केस में बताओ फिर डिवाइड वाला करेंगे ठीक है क्योंकि डिवाइड करके भी निकाल सकते मल्टीप्लाई करके अगर वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही रिड्यूज़ है मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है फिर तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और रिड्यूज़ नहीं कर सकते फिर तो डिवाइड करेंगे ही नहीं फिर तो में मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा और अगर दोनों के बीच में कुछ चीज़ कॉमन आ रही है फिर हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रैक्शन बच्चा निकाल सकते हैं ठीक है अब जैसे कि फाइव बाई ट्वेंटी है अब हमें ये पता है कि फाइव के टेबल में ट्वेंटी आता है इसका मतलब कि दोनों के बीच में कॉमन है तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो इसको फाइव से डिवाइड कर दें इसको डिवाइड कर दें फाइव से ऊपर बन जाएगा वन और नीचे बन जाएगा फ़ोर तो ये हमारा क्या बन गया वन रेशो फोर जो कि किसके इक्विवेलेंट है फाइव रिशो ट्वेंटी के ही इक्विवेलेंट है क्योंकि हमने सेम नंबर से क्या किया है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बच्चों डिवाइड किया ठीक है अब डिवाइड करके तो निकाल लिया अब मल्टीप्लाई करके निकाल के देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे फाइव बाई ट्वेंटी जो कि हमने फ्रैक्शन में लिख लिया इसको और इसको दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो मान लो मैंने इसको किया टू से इसको किया टू से तो ऊपर बन जाएगा टेन और नीचे बन जाएगा फोर्टी तो टेन बाय फोर्टी भी क्या है इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फ्रैक्शन है और अगर रेशो में लिखे तो टेन रेशो फोर्टी हो गया ठीक है तो ये सारे के सारे क्या है इक्विवेलेंट है वन रेशो फोर इक्वीवेलेंट है फाइव रेशो ट्वेंटी के और ये भी इक्विवेलेंट है टेन रेशो फोर्टी के ठीक है तो ये ये नहीं देखना है कि नंबर कितना बड़ा होता जा रहा है बड़ा तो चाहे कितना ही हो जाए बट वेन वी रिड्यूज़ देम इन सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम उनको रिड्यूस करें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वो सारे के सारे क्या बनने चाहिए सेम बनने चाहिए ठीक है तो ये हो गया इक्विवेलेंट उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास कंपेयर uh, करना ठीक है कंपेयर टू रेशोज जैसे फ्रैक्शन में कंपेयर किए थे सेम वैसे के वैसे रेशो में भी कंपेयर करने हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा तो कंपेयर करने के लिए आपने क्या किया था मान लो यही दो ले, ले लेते हैं हम टू रेशो थ्री और थ्री रेशो फोर इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं यह आ जाएगा टू बाय थ्री और यह आ जाएगा थ्री बाय फोर अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है

कौन सा बड़ा है ठीक है तो यहां से हम देख लेते हैं चलो यहां से हम देख लेते हैं ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर को ट्वेल्व बनाने के लिए फोर से करेंगे इसको फोर से करेंगे तो ये हो एट बाय ट्वेल्व उसके बाद हम थ्री बाय फोर और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा नाइन बाय ट्वेल्व ठीक है तो एक तरफ तो आ गया हमारे पास एट बाय ट्वेल्व और दूसरी तरफ आया है नाइन बाय ट्वेल्व तो ये क्या है लाइक like फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा है एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा बड़ा तो मतलब नाइन बाई ट्वेल्व हमारा बड़ा हो गया इसका मतलब कि टू बाई थ्री से बड़ा है थ्री बाय फोर ये क्या हो गया कंपैरिजन हो गया ये क्या हो गया कंपैरिजन अब उसने आगे पूछा है कि चेक वेदर टू रेशो थ्री एंड थ्री रेशो फोर आर इक्वीवलेंट और नॉट ठीक है और नॉट कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है तो अगर हम देखो इनको रिड्यूस करें इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में तो टू बाई थ्री की सिंपलेस्ट फॉर्म टू बाई थ्री ही है और यहाँ पर थ्री बाय फोर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी क्या है थ्री बाय फोर ही है तो ये दोनों क्या हुए सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है तो इसका मतलब दे आर नॉट इक्विवेलेंट ठीक है टू बाई थ्री और यहाँ पर हो जाएगा थ्री बाय फोर तो और कुछ इनमें कॉमन आ नहीं रहा देखो टू और थ्री में कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा थ्री और फोर में भी कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा इट मीन्स दैट ये ऑलरेडी अपनी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूज है और यहाँ से हमें कोई बराबर तो दिख नहीं रहे तो इसका मतलब दे आर नॉट इक्विवेलेंट दे आर नॉट इक्विवेलेंट कि ये इक्विवेलेंट तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं है कंपेयर हमने जरूर कर दिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमने एलसीएम लिया इनका और एलसीएम को कंपेयर करके बता मतलब लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और फिर हमने देख लिया डिनोमिनेटर जिसका बड़ा था वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा न्यूमिनेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है बच्चों वो है प्रपोशन ठीक है जब हम दो रेशो को कंपेयर करते हैं ना तो उसको बोलते हैं प्रपोशन क्या बोलते हैं प्रपोशन चलो रेशो समझ में आया ये बताओ जल्दी से रेशो तक सबको समझ आया डन है चलो रेशो मतलब जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं और प्रपोशन का मतलब है जब हम दो रेशो को कंपेयर करते हैं ठीक है प्रपोशन शो द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज ठीक है तो रेशो मतलब दो चीजों को कंपेयर करना और प्रपोशन का मतलब दो रेशो को कंपेयर करना इफ टू रेशोज आर इन प्रपोशन देन दीज मस्ट बी इक्वल अगर दो प्रपोशन में है तो उनको हाँ उनका क्या होना चाहिए वो इक्वल होने चाहिए ठीक है यहाँ पर जो प्रपोशन का साइन है उसमें या तो ऐसे चार डॉट लग जाती हैं या फिर दो लाइनें भी लगी होती हैं ऐसे पैरल लाइन तो जैसे मान लो मैंने लिखा टू रेशो थ्री और अगर मैं प्रपोशन का साइन बनाऊँ तो यहाँ पर चार डॉट लगेंगी और थ्री रेशो फोर ठीक है ये वैसे है नहीं प्रपोशन में तो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं जो कि हमारा प्रपोशन में हो तो नॉट का साइन लगा देते हैं यहाँ पर ठीक है दे आर नॉट इन प्रपोशन ऐसे क्रॉस कर सकते हो अगर प्रपोशन है तो चार डॉट लगेंगे नॉट है तो नहीं होगा इसमें यह कहा हुआ है कि दोनों रेशो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए अगर हमारी टर्म क्या है प्रपोशन में है तो देखो प्रपोशन और रेशो का हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ है ठीक है डेली लाइफ में भी बहुत यूज है आपको पता है कि जो भी हमारे जो फ्लैग होता है जो इंडिया का फ्लैग है या किसी भी कंट्री का फ्लैग है उसका जो भी फ्लैग होता है उसकी लेंथ और उसकी विर्थ का एक फिक्स्ड रेशो होता है ये बात पता है आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी उसका उठाया झंडा और बना दिया ऐसा नहीं होता है आप बच्चे हो आप तो बना सकते हो लेकिन आप वैसे अगर देखोगे तो चाहे छोटा हो या कितना ही बड़ा हो उनकी जो लेंथ और विड्थ है ना वो फिक्स होती है वो हमेशा होता है थ्री रेशो टू में जो भी फ्लैग है इंडियन फ्लैग की मैं बात करूं ठीक है बाकी सब फ्लैग के साथ भी है थ्री रेशो टू रहता है मतलब उनका रेशो फिक्स है अगर छोटा सा फ्लैग बना है तो उसका भी रेशो थ्री रेशो टू रहेगा और बहुत बड़ा फ्लैग बना है तो उसका रेशो भी थ्री रेशो टू ही रहता है मतलब लेंथ होगी उसकी थ्री टाइम्स और ब्रेथ होगी टू टाइम्स ठीक है ऐसा ही होता है अगर हमने एक मीटर मान लो लेंथ ली है मतलब एक मीटर मतलब दो मीटर अगर हमने क्या ली है ब्रेथ ली है तो थ्री मीटर उसकी लेंथ लेनी होती है ठीक है तो प्रपोर्शन में क्या होता है जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं कि जो दो रेशो हैं क्या वो बराबर है प्रपोर्शन में कोई चीज बनी है और प्रपोशन में कोई चीज बनी हो तो वो सुंदर भी लगती है अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पता नहीं कि ड्राइंग करते हैं या नहीं करते लेकिन आपने कभी ऐसे बनाया कि कोई टेबल रखी और उस टेबल के ऊपर कोई जग रखा है और उसका सेम प्रपोर्शन का आप क्या बना रहे हो अपनी नोटबुक में बना रहे हो ठीक है तो उसमें आप क्या करते हो टेबल बड़ी बनी हुई है तो टेबल बड़ी बनाते हो उसके ऊपर जो जग छोटा रखा हुआ है तो छोटा बनाते हो ऐसा तो नहीं करते ना कि टेबल बना दी छोटी सी और जग बना दिया बड़ा अगर ऐसा कर भी देते हो तो टीचर कहती है तो गलत है ये तो प्रपोशन में ही नहीं बनाया आपने छोटा बड़ा कर दिया तो जब प्रपोशन में कोई चीज़ होती है ना तो वो सुंदर भी लगती है अच्छी भी लगती है ठीक है तो इसीलिए आपके आसपास की चीज़ें आप देखोगे ना तो ज़्यादातर चीज़ें प्रपोशन में ही हैं उनका एक फिक्स रेशो है और वो प्रपोशन में ही बनती हैं और वो ही सुंदर लगती है जो प्रपोशन में होती हैं ठीक है अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रेशो टू एंड थ्री एंड थ्री बाय नाइन क्या है इक्वल है या नहीं देखो इनको कंपेयर कर लेते हैं ये हो जाएगा टू रेशो थ्री यहाँ पर लगाओ पर का साइन और ये हो जाएगा सिक्स रेशो नाइन तो इनको कंपेयर कर लेते हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं पर का जो साइन है उसको इक्वल बना दो और इसको किस में रिड्यूस कर दो फ्रैक्शन की फॉर्म में अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंस करो इसको टू बाई थ्री तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में वो तो रिड्यूस हो नहीं सकती हाँ ये ज़रूर कन्वर्ट हो सकता है ये थ्री के टेबल में आता है और ये भी थ्री के टेबल में आता है तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके दोनों को क्या कर दिया टू बाई थ्री टू बाई थ्री और दोनों के आगे बराबर आ गए तो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रपोशन क्या लिख देंगे यस दे आर इन प्रपोशन क्योंकि दोनों साइड का क्या आ गया सेम आ गया रेशियो ठीक है उसके बाद आपके पास एक फार्मूला भी है जो आपने सिक्स क्लास में किया था उसमें आपके पास ये था कि फर्स्ट है यहाँ पर है मान लो आपकी सेकेंड टर्म फिर बीच में लगा हुआ है यहाँ पे प्रपोशन का साइन फिर है थर्ड और फिर है फोर्थ तो फिर हमने क्या किया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन ऐसे हमने किया था ना कि अगर इन दोनों का जो आंसर है वो भी सेम आ जाए तो भी हमारा जो है चीज़ें दी जो हुई है जो भी वैल्यू दी हुई है वो क्या है प्रॉपर रेशो में तो इसमें हमने क्या फार्मूला लगाया था अगर आपको सिक्स का याद हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम होती है बाहर वाली टर्म जैसे कि फर्स्ट और फोर्थ है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर हमारा बराबर आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के ठीक है प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है ये बीच वाली दो नंबर प्रोडक्ट ऑफ मीन के तो भी हमारे ये दोनों क्या हैं प्रोपोर्शन में ठीक है याद है सबको ये फार्मूला ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में ये वाला फार्मूला याद है अभी तो सिक्स करके आए हो याद होगा आई एम श्योर कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन कौन सी वाली टर्म्स हैं मीन है, है भैया बच्चों बाहर वाली मीन uh, है ये वाली और एक्सट्रीम का मतलब होता है ये बाहर वाले नंबर अब जैसे कि यहाँ पर पूछा होगा कि रेशो वन टू एंड एक्स फोर आर इन प्रपोर्शन तो एक्स की वैल्यू बताओ इस तरह के क्वेश्चन किए थे ना सिक्स क्लास में कि अगर हमारे प्रपोर्शन में गिवन है तो हम क्या लगाते हैं ये वाला फार्मूला लगाते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं याद है या नहीं है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ याद है या भूल गए सब कुछ अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी कैसे भूल गए बच्चों क्या कैसे लिखते थे वन रेशो टू लिखा फिर हमने लगाया यहाँ पे प्रपोशन का साइन फिर एक्स लिखा फिर रेशो का साइन तो हम यही फार्मूला लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है बराबर होने चाहिए अगर प्रोपोर्शन में है तो और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे है ना क्या निकाल लेते थे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते थे जल्दी से बताओ कि कौन कौन है जो अभी इस चीज़ को भूला नहीं है याद है अभी भी सेवन्थ में भी है ये चीज़ क्योंकि और याद रखनी है क्योंकि एट्थ में भी काम आएगी और एट्थ में भी आपके टीचर यही कहेगी या मैं भी अगर एट्थ में पढ़ाऊंगी तो ये कहूँगी कि बच्चों जैसे सेवन्थ में पढ़ा था आपने या जैसे सिक्सथ में पढ़ा था तो मैथ्स की जो चीज़ें वो कभी भी भूलनी नहीं चाहिए ये मत सोचो कि चलो ये क्लास हो गई ख़त्म आगे भी वो काम आती हैं और हर क्लास में आपको काम आती रहती है ठीक है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो वन और फोर हो गई हमारी एक्सट्रीम टर्म और मीन हो गई बच्चों हमारे पास टू और एक्स हो गई दोनों बराबर हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है ये हो जाएगा फोर यहाँ से आ जाएगा टू एक्स की वैल्यू के लिए हम फोर को टू से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू तो एक्स बन जाएगा यहाँ से टू ठीक है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी टू तो ये फार्मूला लगा के हम इस तरह से चीज़ें निकाल सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज में उसके बाद एक मेथड है हमारे पास यूनिट्री मेथड ये भी क्या है चीज़ों को कंपेयर करना जैसे मान लो कि आपकी मम्मी मार्केट गई हालांकि अब तो जाना भी नहीं है लॉकडाउन है मान लो उन्होंने लिए मान लेते हैं कि टेन के जी पोटैटो लेकर आई वो फिफ्टी रुपीज़ में ठीक है कितने के जी टेन के जी लाई फिफ्टी रुपीज़ में और एक और मान लो आपकी मम्मी की फ्रेंड है वो गई और वो लाई एट के जी कितने रुपीज़ में फिफ्टी रुपीज़ में या लगा दो एट के जी लाई फोर्टी रुपीज़ में ठीक है एट के जी लाई कितने रुपीस में फोर्टी रुपीस में अब अगर ये कहे कि ये जो मान लो आपकी मम्मी कहे कि नहीं मैं मुझे अच्छा रेट मिला है क्योंकि मैंने दस किलो लिए पचास रुपए में दूसरी कहेगी कि नहीं मुझे ज्यादा अच्छा मिला मैंने एट किलो लिए चालीस रुपए में चालीस रुपए मतलब कम में ले लिए तो अगर इन दोनों का झगड़ा मिटाना है तो हम क्या लगाएंगे यूनिटरी मेथड ये देख लेते हैं कि भाई इसका वन के जी कितने रुपीज का हुआ और इसका वन के जी कितने रुपीज का हुआ फर्स्ट की अगर हम बात करें टेन के जी फिफ्टी रुपीज का है तो वन के जी अगर फर्स्ट केस में निकालें तो उसको हम क्या करेंगे फिफ्टी को टेन से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा फाइव रुपीज मतलब कि इसको वन के जी फर्स्ट वाले को पड़ा फाइव रुपीज का सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाले का एट के जी कितना था फोर्टी रुपीज का था और वन के जी की बात करें यहां से तो फोर्टी को 8 से डिवाइड कर दो ये भी भी कितना आ आ गया गया का का तो तो भाई इसका भी 5 रुपीज का आ गया. तो आप जैसा कोई स्मार्ट बच्चा आएगा और कहेगा मम्मी आंटी लड़ो मत दोनों के ही बराबर है दोनों को ही बराबर फायदा हुआ है दोनों का ही दोनों को ही सेम रेट में मिला है ठीक है तो यूनिटरी मैथड से हम भी हम चीजों को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं कि, कि किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला एक का निकाल लो सब पता लग जाएगा ठीक है यूनिटरी so, मेथड भी क्या है टेक्निक ऑफ कंपेयरिंग थिंग्स अब जैसे यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि वो कितना है रूपीज नाइनटी है तो बताओ कि टेन का कितना होगा तो अब सिक्स का दे रखा है और टेन का पूछा है तो इसका क्या तरीका है पहले एक का निकाल लो और उसको टेन से मल्टीप्लाई कर लो टेन का जाएगा ठीक है तो क्या करेंगे हम पहले एक का निकाल लेंगे फिर उसको टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन का आ जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर कैसे करते हैं बिल्कुल ईजी है ये करने और आपके सिक्सथ में भी थे अभी ये सारा हमारा वही है सिक्स का ही जो सेवन्थ में चल रहा है वही सब चीज़ें हैं उसके बाद आगे आप नई चीज़ें सीखोगे जैसे कि परसेंटेज निकालना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना वो भी क्या है चीज़ें कंपेयर करने के लिए ही है ठीक है तो कॉस्ट ऑफ सिक्स बाउल्स है बच्चों यहाँ से हमारे पास कितना रुपीज़ नाइंटी फिर हम यहाँ से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन बाउल वन बाउल का कॉस्ट निकालें तो एक के लिए हमेशा क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो इसको हम डिवाइड तो ये तो आ जाएगा रुपीज फिफ्टीन, मतलब एक बाउल्स के, के लिए जो एक का निकला है उसको क्या कर देंगे टेन से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है तो यूनिटरी मेथड से इस तरह से हम चीजों को निकाल सकते हैं ठीक है तो चलो ये तो हुए हमारे मेथड कौन कौन से तरीके हुए हमने रेशो किया हमने प्रपोशन किया हमने यूनिट्री मेथड किया अब यहाँ पर ये एक छोटा सा काम है आप बच्चों के लिए ठीक है इसको होमवर्क मान लेते हैं और ये काम देना बहुत ज़रूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे यूनिट डिफरेंट हैं तो अगर तो आप बच्चे इनमें यूनिट को कन्वर्ट करके इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाते हो फिर तो भाई आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लिए इजी रहेंगे लेकिन अगर आपको किसी भी तरह के यूनिट में कोई प्रॉब्लम है कन्वर्जन में तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैम हमें आ, मतलब जो आर्स हैं उसको डे में क डे को जो है आर्स में कन्वर्ट करना नहीं आता या मीटर को सेंटीमीटर में नहीं आता या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना आता ठीक है वो सब बताओ बताओगे आप ठीक है तो इसमें एक बता देती हूँ जैसे कि रुपीज़ फ़ाइव है और फिफ़्टी पैसे है तो जैसे आपको इनका रेशो निकालना है ये हो जाएगा रुपीज़ फ़ाइव यहाँ पर निकालना है टू फिफ्टी पैसे तो पहले आप सबसे पहले क्या करोगे जो रुपीस बड़ी यूनिट है उसको पैसे में कन्वर्ट कर लो और ये देखो कि वन रुपीज़ में कितने होते हैं हंड्रेड पैसे होते हैं तो फ़ाइव में हमारे पास हो जाएंगे फ़ाइव हंड्रेड पैसे अब ये भी पैसे बन गए ये भी पैसे हैं तो हम कंपेयर कर लेंगे 500 को 50 से कैंसिल कर देंगे यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो उनको उसमें फ्रैक्शन में लिखकर भी कैंसिल कर सकते हो तो ये बन जाएगा टेन रेशो वन ठीक है चलो एक पार्ट तो मैंने कर दिया भाई बच्चों तीन अब आपके लिए हैं ठीक है थीके? ये केजी है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना ये मीटर है इसको सेंटीमीटर बना लेना और ये डेज है इसको आवर्स में बना लेना और ये मैं बता देती हूँ कि वन डे में बच्चों होते हैं हमारे पास ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है तो इस होमवर्क को करना फिर मुझे पता चलेगा कि आप बच्चों को कितना आता है और कितना जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है चलो अब फटाफट से चलते हैं कुछ की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से इसमें आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है और क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कल की क्लास का वो परसेंटेज है तो देखते हैं कितने बच्चों को परसेंटेज के बारे में पता है आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट फाइव आर एबसेंट वट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर एबसेंट बताओ कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं एबसेंट चलिए डन बच्चों अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है हमारे पास वन बाय फोर एज परसेंट इज मतलब वन बाय फोर को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है ट्वेंटी परसेंट होता है वन फोर्थ अगर किसी का करते हैं तो वो एक्चुअल में कितने परसेंट होता है ट्वेंटी परसेंट होता है ट्वेंटी फाइव होता है जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो होता है या जीरो पॉइंट वन टू परसेंट होता है चलिए डन अब इनके आंसर्स देख लेते हैं देखो 25 फ़ाइव हैं टोटल और 5 हैं एबसेंट और पूछा है कि कितने परसेंट एबसेंट हैं तो एबसेंट के लिए आप क्या निकालोगे देखो जैसे आपके नंबर आते हैं नंबर आपके आपने सिक्स में भी लिए होंगे और अभी भी आपका रिज़ल्ट आया होगा तो मान लो जैसे आपके हंड्रेड नंबर का पेपर है तो हंड्रेड में से आपके मान लेते हैं हम कितने माने भाई इंटेलिजेंट बच्चे हो आप तो कितने मान ले हंड्रेड में से कितने माने बताओ कितने आए आप बच्चों के अगर हंड्रेड या एट्टी की बात करें चलो फिफ्टी का कर लेते हैं क्योंकि सिक्स क्लास के बच्चों आप फिफ्टी कर लेते हैं तो मान लो आपके कितने हैं फोर्टी एट नंबर आए मान लेते हैं फोर्टी एट ठीक है 48, और आए कितने में से हैं फिफ्टी में से तो टोटल नीचे लिखते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई ठीक है तो इसको कैंसिल करोगे ये टू तो हंड्रेड में से निकालेंगे तो आपके नाइन्टी एट हो गए तो मतलब नाइन्टी एट परसेंट आपके क्या आ गए नाइन्टी सिक्स बन गए है. ठीक है तो परसेंट के लिए क्या करते हैं टोटल को हम नीचे लिखते हैं ठीक है टोटल को नीचे लिखते हैं और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइव एबसेंट है तो फाइव आ जाएगा ऊपर टोटल आ जाएगा नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से यहां से इसको कैंसिल करेंगे फोरजा पर कैंसिल हो जाएगा तो मतलब ट्वेंटी परसेंट बच्चे क्या हो गए एब्सेंट हो गए तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ से ऑप्शन बी और आगे का है कि वन बाई को परसेंट में कन्वर्ट करो तो वन आउट ऑफ फोर

आज जो हमने किया है आज हमने इंट्रोडक्शन किया साथ ही साथ हमने पढ़ा आज बच्चों रेशो के बारे में फिर हमने पढ़ा इसमें प्रपोर्शन के बारे में ठीक है उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा यूनिट्री मैथड यूनिट्री मैथड के बारे में तो आपको इसमें से कितना समझ आया ये आप मुझे बताओगे ठीक है कितना समझ आया या कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आप बच्चों का रह गया है वो बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो कि हमारा मैम ये रह गया है या कौन सा रह गया फिर हम वही चीज़ करेंगे प्रपोशन को दोबारा रिवाइज करना है या रेशो को रिवाइज करना है किसको रिवाइज करना है वो बताओगे जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में और या यूनिटरी मेथड को करना है ठीक है जो भी मेथड फिर से रिपीट करना होगा वो आप बताओगे फिर वो हम क्या कर देंगे अपनी अगली क्लास में रिपीट करेंगे वैसे कल का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि है परसेंटेज के बारे में ठीक है तो चलो बच्चों ये हुई आज की हमारी क्लास ठीक है और जो होमवर्क दिया उसको अच्छे से करना है और समझना है अभी तक हमारा जो चल रहा था वो एक तरह से आपका प्रीवियस जो आपने पढ़ा हुआ उसी के नॉलेज पर बेस था और फिर से मैं बता दूं कि ये चैप्टर है बेहद ख़ास और सेम का सेम चैप्टर है आपकी एट्थ क्लास में भी तो यहीं पर इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आगे भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ठीक है तो चलो ये हुई आज की क्लास बच्चों मिलेंगे अब कल की क्लास में तो आपको पढ़ते रहना है अपनी सेहत का ध्यान रखना है हेल्दी रहना है फिट रहना है बाय बाय